हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई मेरे पीछे देखो कितनी ठंड हो रही है। 2 डिग्री टेम्परेचर इज 2 डिग्री। अभी हो रहा है 8:40 समवेयर। हाँ 8:40। और भाई टेम्परेचर हो रहा है 2-3 डिग्री। भाई क्या गंदी ठंड लग रही है। नवंबर में भी मतलब ठीक है, 2-3 डिग्री था बट इतना ठंडा नहीं लगा। आज लग रही है भाई असली ठंड। तो मेरी नाक तक लाल लाल लग रही पूरी। फ्रीजिंग। अंदर स्वेटर, जंपर और क्या क्या पहन रखा है, जैकेट तो ऊपर से दिख रही है, जंपर भी पहन रखा है अंदर। और थर्मल नहीं पहना मैंने, मुझे लगा था सेटिंग हो जाएगी इस वजह से नहीं पहना। बाकी चलो आज ऑफिस जा रहे हैं। कितने वेडनेस थर्सडे जाना होता है तो चलो वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये शॉर्टकट है। विवन हाउस से जितने भी आते हैं उन लोगों को पता होगा ये वाला फुटपाथ बना हुआ है बीच में से। ये स्ट्रेट 10 से 12 मिनट का वॉक है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब डिपेंड करता है वॉक पे। भाई क्या विंडी चल रहा है, ठंड टेम्परेचर ड्रॉप हो रखा है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा ठंड लगी। मैं करता हूँ बंद वीडियो रिकॉर्डिंग। भाई मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। यूनिवर्सिटी जॉब का देखो बेनिफिट तो है, बट द थिंग इज कि जो आवर्स मिलते हैं ना दैट इज़ वेरी लेस। जैसे कि मेरा 7 आवर्स का है पर डे, राइट? 7.2 ही मान लो, बट 7 ही मान लो, जिसमें कि 1 आवर ब्रेक होता है तो वो पेड नहीं होता। 6 आवर्स का मान लो, 6 आवर्स 12 आवर्स इन अ वीक बहुत कम है, क्योंकि जब कभी ऑफिस जाती होता तो अभी तो वैसे 2 पाउंड में मिलने चल रहा है, तो इस पर बाहर भी खा सकते हो। दिस इज द ब्रेकफास्ट फॉर द 2 पाउंड और सॉल्ट एंड पेपर, बिकॉज यहाँ का मीठा तीखा वेदर। अभी हुआ लंच टाइम और डोंट नो क्या खाना है क्या नहीं। काफ़ी अच्छा ब्लड कर रहा है वैसे तो ये। वही 2 पाउंड का मीट ऑर्डर करता हूँ, वो भी कैंटीन से, क्योंकि उस पर अच्छा फूड नहीं है। इसी पे ही अच्छा ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर नंबर इज 56। ये देखो कितने सारे लोग लंच कर रहे हैं। प्लीज लॉर्ड गिव मी अ साइन, अ साइन। सो ऑर्डर मिल गया है, चाहते हैं ऑफिस में करूंगा लंच, यहाँ पे तो मन ही नहीं कर रहा खाने का। बैठ के आराम से कुछ देखेंगे। Lift going up. ओ भाई, मारो मुझे। इस पे वीडियो को स्विच करने का भी होना चाहिए था, जैसे रेयर से चल रहा है फिर फ्रंट से चलने लग जाए। एंड्रॉइड में होता है, आईफोन में नहीं है यार। अच्छा, कल रात में मैंने मटन बॉईल किया था चिली फ्लेक्स और सॉल्ट के साथ, और अभी मैं माइक्रोवेव कर रहा हूँ राइस। हो गया आई बिलीव ये वाला। कभी कभी मैं ऐसे ही खा लेता हूँ बॉइल्ड वाला भी, ये और ये राइस। यहाँ पे अभी क्या है ना कि मैंने हेल्थ सेंटर में कॉल किया, और मतलब आज नहीं कल किया था, ये मतलब एसिडिटी वाला कुछ इशू हो रहा है। मतलब इंडिया में भी थोड़ा बहुत कभी कभी होता था बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मतलब अभी तो हेल्थ सेंटर जो है यूनिवर्सिटी का ही है, तो मतलब तो जल्दी अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाती है, लेकिन जब स्पेसिफिक किसी डॉक्टर से मिलना होता है, या वो क्या बोलते हैं उसको, रेफरल उसको बोलते हैं, जैसे कि किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास, या फिर मतलब जब ये लोग सर्जन के पास या हाई डॉक्टर के पास जब रेकमेंड करते हैं ना, उसको रेफरल वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब ये रेफरल का अपॉइंटमेंट जो बुक होता है, तो भाई साहब मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ महीने का वेटिंग लिस्ट है। मतलब सॉर्ट ऑफ यहाँ पे NHS फ्री है बट बहुत ज़्यादा वेटिंग है, और इतना मतलब पैसे तो हम लोग ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं भाई। NHS का हम लोग कितना 70-80,000 समथिंग समवेयर 60-80,000 कुछ पे करके आए हैं ऑलरेडी, मतलब 101 ईयर का इतना पे करके आए हैं। और उसमें भी अगर NHS का जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो ट्रीटमेंट वगैरह फ्री होता ही है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही है। लेकिन अगर किसी रेफरल ये लोग करते हैं तो उसके लिए तो बाप रे एक एक डेढ़ महीने का वेटिंग लिस्ट है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ फ्री भी है बट इतना ज़्यादा वेट टाइम, और जब तक तो पेशेंट का पता नहीं क्या ही हाल होगा अगर रेफरल के पास भेज नहीं पा। तो ये यहाँ का बड़ा अजीब सा सीन लगता है। खाना हो चुका है गरम। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ना आपको इलेक्ट्रिक हीट
होब, इलेक्ट्रिक होब बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, तो कुकटॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, पर यहाँ पे होब बोलते हैं। तो यहाँ से होब ऑन करना होता है इस तरीके से स्विच, और ये इलेक्ट्रिक मिलता है। तो ये पावर ऑफ का पावर ऑन का दिख जाएगा आपको, इसको होल्ड करके रखना है 2 से 3 सेकंड के लिए, ऑन हो जाएगा। अब ये अकॉर्डिंग टू साइन, जैसे कि ये वाला है, दिस वन इज़ फॉर दिस, दिस वन इज़ फॉर दिस, एंड दिस वन फॉर दैट। ओ बंद हो गया, ठीक है ये ऑन हो गया। और ये मुझे ऑन करना है प्लस माइनस, तो ये 9 पे चल गया, तो 9 इज़ द मैक्सिमम हीटिंग। क्योंकि व्हाई एम आई टेलिंग यू, बिकॉज हम लोगों को इंडिया में ना मतलब वैसा होब यूज़ करने की होती है हैबिट, गैस बर्नर वाला, तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो आई हैव टू लाइक आई हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम माय रूममेट्स और दे एक्सप्लेन मी हाउ टू वर्क, हाउ इट वर्क्स लाइक इलेक्ट्रिक होब। तो इस वजह से अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह देखते हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल ही जाएगी, मतलब आप लोगों को किसी से इतने ज़्यादा हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाह, पानी हो गया गर्म और पी जाएगी कॉफ़ी, ब्लैक ब्लैक कॉफ़ी, लाइक क्या बोलते हैं रॉ कॉफी। Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. लग रही है भूख, ये रखा है वाटर पानी, और ये राइस वॉश किया है, चलो देखते हैं कैसे राइस बनाना है। For my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. और ये यूनियन में कुछ सेलिब्रेशन चलते हुए, बस बंद हो गया, जैसे ही चालू किया गया हुआ। तो अभी वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, मुझे एक्चुअल में चेस्ट, आर्म और बाइसेप्स और बैक, यही 3-4 वर्कआउट अच्छा लगता है। लेग तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाकी शोल्डर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी चेस्ट हो गया, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स, आर्म, यही 3-4 वर्कआउट ही पसंद है मेरे को। तो आज मैंने किया था चेस्ट वर्कआउट, कल लेग किया था, तो बाप रे अभी तक लेग में पेन हो रहा है। मतलब कल जब मैं करके हटा था तब तक तो नहीं हो रहा था, आफ्टर दैट पेन स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग में जब उठा था। ये हो रहा है स्टूडेंट रैप का मीटिंग, मुझे ना बुलाने में भाग जाऊँ मैं ऐसे। अबे आज के इनका डिश ऑफ द डे में चिकन एंड चिप, चिकन इनका ऑलमोस्ट हर डे ही होता है मे भी। यार ये पपली जोस वाले ना ऑर्डर बहुत देर में देते हैं, पता नहीं एक ही ऑर्डर होता है, इतना डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं, और ये यहाँ पे वो चल रहा है। अभी आ चुका हूँ रूम पे और आफ्टर जिम, और मतलब थोड़ा शावर वगैरह लेके रेडी हो चुका हूँ। और द मेन थिंग इज़ कि ये चीज़ डिस्कस करनी थी मुझे कि अभी मेरा कल है सैटरडे, आज है फ्राइडे, और सैटरडे संडे आई मीन डे और टुमारो, फिर जो है मंडे को मेरा इंटरव्यू है जो कि डिसर्टेशन के लिए, क्योंकि डिसर्टेशन में ऐसा होता है कि आप डिसर्टेशन जो रिपोर्ट थीसिस वगैरह सबमिट कर देते हो, उसके बाद 10% या 20% आपका इंटरव्यू भी होता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिपोर्ट, जो थीसिस जो आपने सबमिट किया है उस बिहाफ पे आपका इंटरव्यू भी होता है। आई डोंट नो दी अदर डिपार्टमेंट्स, बट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एसेक्स यूनिवर्सिटी में तो होता ही है, तो उस वजह से मुझे वो भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी उसमें वर्क नहीं किया है। और एक स्टूडेंट ने मेरे वीडियो में कहीं पे कमेंट किया था कि व्हाट इफ अ स्टूडेंट फेल इन डिसर्टेशन, तो उसका प्रोसेस मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस से क्या होता है अगर इफ पर्सन और स्टूडेंट गेट फेल्ड इन डिसर्टेशन, क्योंकि डिसर्टेशन ही मेन मॉड्यूल होता है हमारे, मे बी आई थिंक सारी ही किसी भी स्टडीज को अगर आप कंपेयर कर लो तो डिसर्टेशन का क्रेडिट जो है सबसे ज्यादा होता है, 60 या किसी किसी का 120 भी होता है, तो मतलब देख लेना अपने हिसाब से, बट मोस्ट प्रोबेबली 60 तो क्रेडिट होता ही है डिसर्टेशन का, तो उसमें पास होना मैंडेटरी होता है। और उसमें अगर फेल होती हो तो क्या प्रोसेस है, क्या करना है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बताऊंगा, बनाऊंगा और बताऊंगा। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा ड्रॉप हो रहा है,
-1 -2 डिग्री होता जा रहा है। मतलब अभी जैसे कि जिम वगैरह के लिए या यूनिवर्सिटी किसी काम के लिए निकलने की सोचते हैं तो उससे पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई जाए नहीं जाए, क्योंकि बिस्तर से निकलना ही इस अनदर काइंड ऑफ स्ट्रगल। सो मतलब आजकल आज की डेट में ये वाला स्ट्रगल भी ऐड हो जाता है। विंटर्स में सब लोगों को पता ही है, मतलब बताने की तो जरूरत नहीं, और नहाने धोने का तो पता ही आपको कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है नहाने धोने में भी। तो अभी शावर वगैरह ले लिया है और बाहर जो है भाई 2 से 3 डिग्री -1 से 2 डिग्री हो रहा है। अभी तो 3 डिग्री नहीं गया। जो स्टूडेंट यूनियन का कुछ था मीटिंग वगैरह, ये छोटी सी वीडियो जो मैंने डाली थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चलो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।